अब हम लोग देखेंगे प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है, कैसे करता है। तो देखो, जब भी मैं फंक्शन बोलता हूं तो ये समझ लो कि उसमें क्या होने वाला है, कुछ काम होने वाला था। जब मैं बोल रहा हूं प्रिंट एफ फंक्शन, तो इसका मतलब ये है सी प्रोग्राम में प्रिंट एफ फंक्शन कुछ काम करता है। क्या करता है वो काम? उसका काम है आउटपुट देना। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो मैसेज तो दोगे आउटपुट के रूप में यूजर को, तो ये काम हमारा प्रिंट एफ करेगा। प्रिंटएफ मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा बता दिया, अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। और देखो, जब भी मैं प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने समझा दिया था कि stdio.h क्यों लगाते हैं, void main से ही स्टार्ट होता है प्रोग्राम, और जो हमारा प्रोग्राम है वो मेनली इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेगा, ये सब सब बता दिया। इसलिए हमारा काम अब यहीं से स्टार्ट होगा जब भी होगा, राइट। तो देखो, सबसे आसान तरीका प्रिंट करने का क्या है, आपको लिखना है प्रिंट एफ और ब्रैकेट क्लोज, ओपन और क्लोज करना है, सेमी कॉलन बंद करना है, आपका प्रिंट एफ फंक्शन लिखा जा चुका है। इसके बीच में आप अपना मैसेज देते हो। मैसेज देने के लिए आपको डबल कोट का यूज करना पड़ेगा, तो डबल कोट ओपन और क्लोज दोनों करो और उसके बीच में अपना मैसेज लिख दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं माई नेम इज विश्वजीत, ठीक है, मैंने लिख दिया माय नेम इज विश्वजीत। अब मुझे इसको प्रिंट कराना था तो मैंने इसको प्रिंट एफ फंक्शन के बीच में लिया। अब आपको पता चल गया होगा प्रिंट एफ फंक्शन कैसे दिखता है। प्रिंट एफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना है, उसके बीच में जो भी मैसेज आपको डालना है उसको डबल कोटेशन के बीच में डालना है और लास्ट में सेमी कॉलन लगाना जरूर नहीं भूलना है, क्योंकि ये भी आपका एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्लोज हमेशा सेमी कॉलन से होता है सी प्रोग्राम में, राइट। अब देखो, मैं इसको रन करता हूं, मैंने यहां पे क्लिक किया, यहां पे हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, माय नेम इज विश्वजीत। देखो यहां पे आउटपुट में दिख रहा है, यहां पे ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट कर दिया। अब मैं एक काम करता हूं, ये सेमीकोलन हटा ही देते हैं, हटा के फिर से प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो ये एरर आपको पहचानना पड़ेगा, अगर इस तरह का कोई एरर आए, यहां पे लिखा रहे एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर दिस टोकन, तो आपको समझ जाना है कि आपने कहीं पे सेमीकोलन छोड़ दिया, तो उसको सेमीकोलन को आप जाके लगा लेना, देख के कि कहीं कहां पे आपने छोड़ा है, राइट। अब फिर से इसको रन करेंगे, देखो हमारा फिर से आउटपुट बिल्कुल सही आ गया, माय नेम इज विश्वजीत आ रहा है। ये तो हो गया सिंपल एक सेंटेंस प्रिंट करना। अब मान लो दो सेंटेंस प्रिंट करना चाहते हैं, माय नेम इज विश्वजीत हो ही गया, और मैं यहां पर लिख देता हूं आई एम अ वेब डेवलपर, वेब डेव, ठीक है, बस वेब डेव लिखता हूं मैं, देखो हो गया। अब मैं इसको रन करता हूं, अब मैं रन करूंगा तो क्या होगा, ये दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, हो रहा है। अगर मुझे इसको दूसरे लाइन में ले जाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगा एक बैक स्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट का। वो क्या होता है वो देखो, आपको क्या करना है, यहां पर डालना है बैक स्लैश और उसके आगे एन कर देना है। बस इतना करते ही आपका क्या होगा कि जहां पे भी आप बैक स्लैश एन लिखोगे वहां से वो नए लाइन में चला जाएगा। अब देखो, मैं इसको रन करके दिखाता हूं, ये देखो हमारा यहां पे क्या आ गया, माय नेम इज विश्वजीत पहले लाइन में और दूसरे लाइन में आ गया आई एम वेब डेव। तो देखो, लेकिन आप देखोगे कि आई स्टार्ट होने से पहले एक स्पेस है, क्यों है, क्योंकि एन और आई के बीच में स्पेस है, स्पेस तो वहां भी स्पेस वो ले रहा है। अगर आप ये स्पेस हटाना चाहते हो तो यहां से हटा दो, ये कोई एरर नहीं है। अगर आप इसको रन करोगे सेव करके तो आप देखो यहां पे अब वो चीज सही हो गया, माय नेम इज विश्वजीत, उसके नीचे आई एम अ वेब डेव। तो आपको याद क्या रखना है कि जहां पे भी आपको नए लाइन में जाना है उसके लिए आपको क्या करना है, बैक स्लैश एन दबाना है, इसको डाल दोगे जहां पे वो नए लाइन में चला जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं बैक स्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। और भी होता है, सिर्फ यही न्यू लाइन नहीं होता है, वो भी आगे मैं बताता हूं, लेकिन न्यू लाइन को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा आप उपयोग करने वाले हो। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से हटाते हैं और ये जो सेंटेंस है दूसरा, इसको हम लोग दूसरे प्रिंटएफ में लिखते हैं। मैं लिखता हूं प्रिंट एफ और यहां डबल कोट। आपको याद ये रखना है कि प्रिंट एफ के अंदर जो भी मैसेज जाएगा कहां जाएगा, डबल कोट के अंदर जाएगा। तो मैं इसको आई एम वेब डेव को इसमें डाल देता हूं और उसके बाद रन करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने दो अलग अलग प्रिंट एफ में पास किया है दो सेंटेंस, लेकिन आउटपुट एक ही लाइन में आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सी प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट कोई भी नया लाइन नहीं चेंज करता है। जब तक आप उसको नए लाइन पे जाने के लिए नहीं बोलोगे वो नहीं जाएगा, आप कितना भी प्रिंट एफ लिख लो, ठीक है। तो अब अगर
दो प्रिंटएफ है उसमें न्यू लाइन लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे आसान तरीका क्या है, यहां पे आप लिखोगे एक और प्रिंटएफ और इसके बीच में डबल कोट और वहां पे बैक स्लैश एन लगा दो। अब जब आप प्रिंट करोगे तो वो दो नए लाइन में चला गया। या फिर क्या कर सकते हो, प्रिंटएफ नहीं लिखना है तो ये विश्वजीत जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे बैक स्लैश एन लगा दो ताकि कंप्यूटर माय नेम इज विश्वजीत प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिक नए लाइन पे चला जाए और उसके बाद प्रिंट हो आई एम वेब डेव। अब देखो आउटपुट अभी भी सेम, अभी कुछ गड़बड़ हुआ। क्या गड़बड़ हुआ, हम लोग फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, बैक स्लैश एन सेव कर देते हैं, अब रन करते हैं। बिल्कुल सही है, माय नेम इज विश्वजीत आई एम वेब डेव आ चुका है। या फिर आप ये कर सकते हो कि यहां पे ना करके आप दूसरा वाला प्रिंटएफ के पहले कर दो बैक स्लैश एन और इसको सेव कर दो, अब हम लोग आउटपुट देखेंगे अभी भी सेम। समझ गए, मतलब जहां पे भी आप बैक स्लैश एन लिखोगे वहां ही से नया लाइन चेंज हो जाएगा, और अगर आप ऐसा नहीं लिखते हो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे आप कितना भी प्रिंटएफ लिख लो, सारा आउटपुट एक ही लाइन में दिखाने वाला है। तो इसीलिए बैक स्लैश जो एन है जिसको हम लोग बैक स्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब इसी के जैसा कुछ और भी होता है, क्या होता है, जो आपके कीबोर्ड में आप देखोगे टैब का बटन है, ठीक है, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके टैब का बटन है, उसका काम क्या है कि वो मल्टीपल स्पेस एक साथ देता है, तो वही काम यहां पे कैसे होगा, उसके लिए आपको बैक स्लैश टी लगाना है। जैसे देखो मैंने यहां पे बैक स्लैश टी कर दिया है, यहां देखो बैक स्लैश टी कर दिया और इसको सेव कर देते हैं और यहां पर रन करते हैं। अब जब रन करेंगे हम लोग, एक सेकेंड, ये फिर से बार बार एरर क्यों आ रहा है, बैक स्लैश टी, ठीक है, इसको सेव किया, अब इसको रन करते हैं। अब देखो अब क्या हो रहा है, माई नेम इज विश्वजीत के बाद गैप आ रहा है एक टैब का, देखो यहां पे मल्टीपल स्पेस का गैप आ रहा है एक टैब का, ठीक है, तो ये कैसे आ रहा है, ये बैक स्लैश टी से आ रहा है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन न्यू लाइन वाला इंपॉर्टेंट। अब इससे भी एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, क्या है वो बात, मैं इसको हटा देता हूं, दो लाइन का मुझे जरूरत नहीं, मैं चाहता हूं कि माय नेम इज विश्वजीत अभी कैसे प्रिंट हो रहा है, देखो माय नेम इज विश्वजीत नॉर्मल प्रिंट हो रहा है, मैं चाहता हूं कि विश्वजीत को कोट में ले ले, तो सिंगल कोट आप यहां पे यूज करो, ठीक है, सिंगल कोट यूज किया, इसको सेव किया और यहां पे जाके रन करते हैं, ये देखो सिंगल कोट में आ गया, माय नेम इज विश्वजीत में सिंगल कोट आ गया। लेकिन अगर विश्वजीत को मैं डबल कोट में करना चाहूं तो कैसे होगा, मैं यहां पे डबल कोट लगा देता हूं और यहां पे भी डबल कोट लगा देता हूं, अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा एरर। मैं इसको रन करता हूं, अब ये देखो यहां पे आ रहा है एरर, क्यों आ रहा है एरर, क्योंकि कंप्यूटर ने क्या किया, यहां पे जो पहला डबल कोट देखा वहां से मैसेज को प्रिंट करना स्टार्ट किया, माय नेम इज विश्वजीत, जहां पे दूसरा डबल कोट देखा वहां पे मैसेज को प्रिंट करना बंद कर देता है, उसके आगे जो पढ़ता है वो यहां से यहां तक वो कहता है ये तो बकवास है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो सेंटेक्स है ही नहीं, ये तो रूल गलत हो गया, तो वो एरर दे रहा है, ठीक है। तो लेकिन अगर हमें डबल कोट चाहिए तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास एक बैक स्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट होता है, वो क्या होता है, डबल कोट के आगे आप बैक स्लैश लगा दो, देखो यहां पे भी हम लोग डबल कोट के आगे बैक स्लैश लगा देते हैं, अब इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, अब आप देखो विश्वजीत डबल कोट के अंदर आ गए, समझ रहे हो, तो जहां पे भी आपको डबल कोट चाहिए वहां पे बैक स्लैश डबल कोट यूज करना है, बैक स्लैश डबल कोट यूज किया हुआ। अब मैं एक सवाल और आपसे पूछता हूं कि अगर मुझे बैक स्लैश ही प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, मान लो मुझे यहां पे विश्वजीत के आगे यहां पे मुझे बैक स्लैश प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, एक बैक स्लैश डाला और उसको सेव किया और रन करने कोशिश करते हैं तो एरर आएगा, क्यों, क्योंकि बैक स्लैश का एक पर्टिकुलर काम है, राइट, स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट करना, तो जब बैक स्लैश आपको प्रिंट करना है तो दो बैक स्लैश आपको करना पड़ेगा, तो जब दो बैक स्लैश आप यहां पे एंटर करके और उसके बाद रन करोगे तो देखो यहां पे बैक स्लैश हमारे पास प्रिंट हो रहा है। तो ये जितना भी बैक स्लैश वाला बताया उसको क्या बोलते हैं, बैक स्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, इसमें सबसे ज्यादा आपका यूज होने वाला नए लाइन पे जाने के लिए। अब हम लोग प्रिंटएफ का नेक्स्ट लेवल देखते हैं, नेक्स्ट लेवल क्या है, जो वेरिएबल बनाना हम सीखे हैं उसको प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि इसको हटा देता हूं और यहां पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं इंट, इंट, और वेरिएबल का नाम रख देते हैं नंबर या नम, ठीक है, नंबर का शॉर्टकट नम, और यहीं पे इनिशियलाइज कर देते हैं इसको इक्वल टू 100, ठीक है, कर दिया, एक हमारे पास वेरिएबल बन गया नम नाम का, जो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा,
इंटीजर टाइप का और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया इक्वल टू 100 करके। अब नम में कौन सा वैल्यू स्टोर है, 100 स्टोर है, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो कैसे प्रिंट कराएंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, प्रिंट एफ, ठीक है, और डबल कोट तो लगाना ही लगाना है। जिस तरीके से आप ब्रैकेट ओपन और क्लोज करोगे यहां पे, उसी तरीके से यहां पे आपको डबल कोट भी स्टार्ट और एंड कर लेना है। मिनिमम देखो जो अभी आपको प्रिंटएफ दिख रहा है ना, इतना तो होना ही चाहिए प्रिंटएफ, जब भी आप कराने जाओगे इतना लिखना ही लिखना है। इसके बीच में आपको जो करना है वो करना है। अब क्या करना है यहां पे, तो यहां पे हम लोग सिर्फ इतना बताएंगे कि किस टाइप का डेटा है। तो किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है। ये जो नम है जिसको हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं, ये इंटीजर टाइप का डेटा है। तो इंटीजर के लिए यहां पे अब हम लोग इंट नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे परसेंट डी, परसेंट डी, ठीक है। अब ये क्या है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, टेंशन मत लो। उसके बाद जो डबल कोट है उसके आगे कॉमा लगाना है और उसके आगे नम लिख देना है। अब देखो मैं पहले इसको रन करा देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। मैंने रन कराया, यहां देखो 100 आउटपुट आ गया, आ गया। अब यहां पे किया क्या है हमने, हमने क्या किया है कि प्रिंटएफ में डबल कोट में हमने परसेंट डी लिखा। परसेंट डी का मतलब होता है कि इंटीजर डेटा प्रिंट करने वाले हैं, और कॉमा देके आपको बताना है कि कौन सा डेटा, वेरिएबल का नाम बताओ। तो वेरिएबल का नाम हमने नम रखा था, तो यहां पे हमने नम दिया क्योंकि नम ही हमें आउटपुट कराना है, राइट। अब आप पूछोगे कि इंटीजर के लिए तो बता दिया, फ्लोट और कैरेक्टर के लिए बताओ। तो देखो मैं यहां पे कमेंट करता जाता हूं, जब भी इंटीजर डेटा होगा इंट, तो आपको टाइप करना है परसेंट डी। जब भी आपका कैरेक्टर डेटा होगा तो आपको करना है परसेंट सी, और जब भी फ्लोट डेटा होगा, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डेसिमल वाला नंबर होगा, तो आपको क्या करना है, परसेंट एफ, ठीक है। अब ये तीन चीज तो याद रह जाना चाहिए आपको, परसेंट डी इंटीजर के लिए, परसेंट सी कैरेक्टर के लिए, परसेंट एफ फ्लोट के लिए। तो यहां पे हमें क्या, किस टाइप का डेटा, यहां पे हमने इंटीजर टाइप का बनाया था, तो इसीलिए यहां पे डबल कोट के अंदर हम डाल देते हैं परसेंट डी, और वेरिएबल का नाम कॉमा डाल के यहां पे दे देते हैं। उससे क्या हुआ, यहां पे प्रिंट हो गया 100, हो गया। अब एक काम करते हैं, एक और बना लेते हैं फटाफट, यहां पे बनाते हैं एक और इंट, इंट नम टू इक्वल टू 10। अब देखो इसको भी इसी प्रिंटएफ में करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंट डी लिखा, मतलब परसेंट डी के जगह पे क्या प्रिंट होने वाला है, नम का वैल्यू। अब इसके आगे एक स्पेस देते हैं और एक और परसेंट डी लगा देते हैं। परसेंट डी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो दूसरा वेरिएबल है वो भी इंटीजर टाइप है, तो परसेंट डी लिखा। उसके बाद नम के आगे कॉमा लगा के हम उसका नाम लिख देते हैं, तो क्या है नम, नाम हमारा नम टू, इसको सेव करा दिया, देखो यही हमारा। अब जब हम प्रिंट कराएंगे तो देखो यहां पे 100 और 10 दोनों प्रिंट हो रहा है, यहां देख 100 स्पेस 10। अगर इस परसेंट डी के बीच में स्पेस ना दे तो क्या होगा, 100 और 10 के बीच में भी स्पेस नहीं रहेगा। अब देखना क्या होगा, मैं यहां पर रन करता हूं, ये 100 और 10 प्रिंट हुआ लेकिन उसके बीच में स्पेस नहीं, ठीक है। तो बेसिकली आप अब समझ पा रहे होंगे कि डबल कोट के अंदर हम ये बता रहे हैं कि कहां कहां हमारा क्या क्या प्रिंट हो रहा है। परसेंट डी मतलब एक इंटीजर है, उसके बीच में हम लोग एक स्पेस दे देते हैं, और उसके बाद फिर से परसेंट डी देते हैं क्योंकि दूसरा भी हमारा जो वेरिएबल है वो भी इंट टाइप है, और उसके बाद दोनों वेरिएबल का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से अगर 100 वेरिएबल है तो भी आप इस डबल कोट के अंदर 100 बार परसेंट डी लिख के और कॉमा कॉमा करके लिख सकते हो। बस याद ये रखना है कि पहला परसेंट डी हमेशा पहला वाला जो यहां पे नम दिया हुआ है वेरिएबल का नाम वही लेगा, और दूसरा वाला परसेंट डी दूसरा वाला नाम का लेगा। अगर मैं यहां पे नम टू कर देता हूं और यहां पे नम कर देता हूं, तो आप देखना अब क्या होगा, अब पहले 10 प्रिंट करेगा फिर 100 प्रिंट करेगा, देख रहे हो, यहां पहले 10 प्रिंट किया फिर 100, क्यों, क्योंकि नम टू अब कहां किसको रिप्लेस कर रहा है, पहले वाले परसेंट डी को रिप्लेस कर रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, यहां पे आप कर देते हैं 10.2 और इसको कर देते हैं इंट को फ्लोट, फ्लोट कर दिया। अब इस परसेंट डी जो पहला जो हमारा परसेंट डी है, यहां पे हम नम टू को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो अब परसेंट डी के जगह अब क्या करेंगे, हम लोग परसेंट एफ लिखेंगे, परसेंट एफ किया और सेव कराया और रन कराते हैं। अब देखो अब यहां पे क्या आ रहा है, 10.2000 और उसके बाद 100 आ गया। तो परसेंट एफ क्या करता है आपका, परसेंट एफ करेक्ट वो प्रिंट कराता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अब चलो एक और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट भी बना ही लेते हैं, ठीक है, कैर,
और यहां पे कर देते हैं ऑप्शन ओपीटी इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट के अंदर रखना है, ए लिख दिया, सेव कर दिया। अब मान लो इन दोनों के बीच में हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे परसेंट सी और स्पेस दे दिया। अब नम टू और नम के बीच में कराना है तो यहां पे ही हमें ऑर्डर याद रखना है हमेशा, तो यहां पे हम लोग कर देते हैं ओपीटी और कॉमा, सेव करा दिया। अब यहां पे जब इसको रन करवाएंगे तो देखो क्या हो रहा है, हमारा पहला फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ रहा है, दूसरा एक कैरेक्टर आ रहा है, तीसरा ये प्रिंट हो गया। तो इससे आपको बस ख्याल ये रखना है कि जो भी आपको प्रिंट कराना है वो कहां रहेगा, इस कोटेशन के अंदर रहेगा। वेरिएबल किस डेटा टाइप का है वो आपको यहां पे मेंशन करना है, परसेंट एफ, परसेंट सी, परसेंट डी के तौर पे, और उसका नाम आप कॉमा कॉमा करके जहां पे डबल कोट बंद हुआ है उसके बाद कॉमा कॉमा करके आप नाम दे सकते हो। जिस ऑर्डर में आप नाम दोगे उसी ऑर्डर में ये इस चीज को रिप्लेस करेगा, ये आपको याद रखना। अब देखो, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग प्रिंटफ को फिर से खाली करते हैं। खाली किया, जनरली अभी समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया था, वरना कैसे होता है ये वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। वो होता है आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक मैसेज दोगे आप प्रॉपर तो कैसे लिखोगे, वैल्यू ऑफ नम इज, और यहां पे आपको वैल्यू देना है, तो आप यहां पे क्या करोगे, नम का वैल्यू देना है आपको, तो नम किस टाइप का डेटा है, इंटीजर, तो यहां पे ईच के बाद आप क्या लगाओगे परसेंट डी, और उसके बाद सेम जो डबल कोट है उसके बाद कॉमा डाल के आप यहां पे लिख दोगे उस वेरिएबल का नाम नम, ठीक है नम, सेव करा दिया। अब जब इसको रन करवाएंगे तो अब हमारे पास एक प्रॉपर मैसेज आएगा, वैल्यू ऑफ नम इज 100 आ गया यहां पे। तो आप देख रहे हो हमें कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ परसेंट डी कर सकते, परसेंट डी इसलिए बनाया गया ताकि हम जो अपना सेंटेंस लिख रहे हैं उसके बीच में कहां यूज करने वाले हैं वो देखना है। अब देखो इसी के साथ एक और कमाल चीज, अब यहां पे कॉमा देते हैं और फिर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि एंड वैल्यू ऑफ ओपीटी इज, या यहां पे इक्वल टू का साइन दे देते हैं, और यहां पे यूज कर लेते हैं परसेंट सी, क्यों, क्योंकि जो ओपीटी वेरिएबल है वो क्या है, कैरेक्टर टाइप है। देखो तो कैरेक्टर के लिए मैंने क्या बताया, परसेंट सी यूज करना है, तो परसेंट सी यहां पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि नम के बाद कॉमा देके क्या कर लिख देंगे, ओपीटी उस वेरिएबल का नाम, उस वेरिएबल का जो भी वेरिएबल हमने बनाया उसका नाम। अब यहां पे मैं रन करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ नम इज 100 एंड वैल्यू ऑफ ओपीटी इक्वल टू ए आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो परसेंट डी, परसेंट सी, परसेंट एफ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं और उसके बीच में जहां जहां वैल्यू चाहिए वहां वहां हम लोग बता रहे हैं कि किस टाइप का वैल्यू आने वाला है। परसेंट डी लिखते हैं, कंपाइलर को पता चल गया कि इंटीजर टाइप का वैल्यू यहां पर प्रिंट कराना है, और परसेंट सी देखते हैं उसको क्या पता चला कि यहां पर कैरेक्टर प्रिंट कराना है। उसके बाद कॉमा के बाद हमने बताया है कि कौन सा वैल्यू प्रिंट कराना है, तो नम वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको पहले वाले में कर दो, और ओपीटी वाला वेरिएबल में जो भी चीज है उसको कैरेक्टर में कर दो यहां पे रिप्लेस, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको प्रिंटफ क्लियर हो गया होगा, और जितना ज्यादा आप इसमें प्ले करोगे, जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे डिफरेंट डिफरेंट चीज, उतना ज्यादा आपको प्रिंटफ क्लियर होता जाएगा।